के पास भी 4GB रैम है और आप गूगल पे सर्च कर करके थक गए हो, फिर भी आपको कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स नहीं मिल पा रहे, हाई ग्राफिक्स के साथ आते हो, तो भैया ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। तो वेल गाइस, आज हम बात करने वाले टॉप 10 गेम्स के बारे में, सिर्फ 4GB रैम पर भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हाई ग्राफिक्स के साथ। तो अगर आपके पास लो एंड पीसी है और आप विजुअली स्टर्निंग गेम्स खेलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बल्कि जो मेरा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रो 4। जी हां दोस्तों, सैंथ्रो 4 की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैल्यूएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। गेम में आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बनते हो, एलियन इन्वेंशन को रोकने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। सैंथ्रो 4 में आपके पास क्रेजी सुपर पावर है और पूरे ओपन वर्ल्ड स्टील पोर्ट सिटी को एक्सप्लोर करते हो। कुछ ऐसी है कि आप जो गैंग लीडर से प्रेसिडेंट बने हो अब एक वर्चुअल वर्ल्ड में फंसा दिए गए हो बाय एन एलियन का नाम किंग जिंग रहता है, पर आपको अपने दोस्तों को बचाना है। किंग जिंग है, उसे आपको हराना है। ये गेम की स्टोरी साईफाई एक्शन और कॉमेडी का मिक्सचर है। एक्सप्लोर करने में और मिशंस कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा फन है। आपको सैंथ्रो 4 में कुछ अमेजिंग सुपर पावर मिलते हैं जैसे कि सुपर स्पीड, सुपर जंप और बहुत कुछ। इस गेम का जो ग्राफिक्स है दोस्तों वो काफी यहाँ पर आपको रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, आपको पूरा एनवायरनमेंट ओपन वर्ल्ड का मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर ट्रियो में गेम आराम चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 512 में नीड है। एंड वेल गाइस, अगर आप भी एलियन वेरियन को मानना चाहते हैं तो भैया कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है द फॉरेस्ट। एंड वेल गाइस, द फॉरेस्ट की बात करें ओपन वर्ल्ड सर्वाइवर हॉरर गेम है जो कि आपके पीसी के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बेसिकली इस गेम में आप एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर रहते हैं, मतलब आपका प्लेन क्रैश हो जाता है एक मिस्टीरियस जंगल पे जहाँ पर आप बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। का जो एक प्राइमरी गोल है, आपका एक बेटा रहता है टीमी, उसको ढूंढना, क्योंकि क्रैश के बाद कुछ स्ट्रेंज क्रीचर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि जंगल के अंदर वाइल्ड एनिमल नहीं बल्कि कुछ डेंजरस कैनिबल्स भी हैं और म्यूटेंट भी हैं जो आपको मारने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आप इस गेम को प्ले करोगे तो यहाँ पर आप जंगल को और भी एक्सप्लोर करोगे। उनका जो मिशन है दोस्तों वो काफी इंगेजिंग है। आपको काफी सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि वुड, स्टोन और फूड, और इन्हें यूज करके लिए वेपन, शेल्टर और टूल बनाते हो जिससे आप सर्वाइव करते हो। जो एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है जो कि गेम को और भी एंगेजिंग बनाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। को भी कैनिबल्स को मारना है और थोड़ा हंटिंग करना है तो भैया किस ले रहे हो, कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैड मैक्स। एंड दोस्तों मैड मैक्स की बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम की 2015 में रिलीज किया गया था। एंड इस गेम को एवलांच स्टूडियो के द्वारा डेवलप किया गया है एंड इसे पब्लिश किया गया इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो ये गेम बेसिकली मैड मैक्स फिल्म से इंस्पायर है। रॉक एडेंसकी का कैरेक्टर को प्ले करना होता है, वो एक लोन वॉरियर है और अपने सर्वाइवल के लिए वेस्टलैंड पे दुश्मनों से लड़ रहा है। मैड मैक्स की कहानी एक वेस्टलैंड पे सेट है जहां पर रिसोर्सेज जैसे कि पानी और फ्यूल की काफी कमी है। मैक्स का मिशन होता है कि अपनी मैग्नम ऑप्स को अपग्रेड करना और अपनी लॉस्ट व्हीकल को वापस पाना। मैक्स का मेन एंटेगनिस्ट रहता है, उसका नाम क्रैबस क्रूवर्स रहता है जो कि एक रूटलेस वॉरलॉर्ड है। बदला लेना पड़ता है, उसके जो एम्पायर रहता है उसको डिस्ट्रॉय करना रहता है। गेम में हमें ब्रूटल कॉम्बैट और कस्टमाइजेशन और एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। टोटली ओपन वर्ल्ड है, इस गेम का मैप को आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब गाड़ी वाड़ी इधर उधर चला सकते हो, मतलब टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। सर की बात करें तो इंटेल कोर i3 में गेम आराम से चल जाएगा। आपको भी इस गेम को प्ले करना तो भाई किस लिए, कूद फांद के जाओ इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो मेरा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डाइंग लाइट। एंड दोस्तों डाइंग लाइट की बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवर गेम है जिसमें कि आपको ज़ॉम्बी का राज देखने को मिलता है। गेम का फोकस पार्कौर मूवमेंट कॉम्बैट के साथ ज़ॉम्बी को भी फेस करना होता है। दिन में आप रिसोर्सेज ढूंढते हो और मिशंस को कंप्लीट करते हो, बट रात में वेल ज़ॉम्बी और भी डेडली बन जाते हैं। स्टोरी फिक्टिटियस सिटी हरान में है जहां पर एक डेंजरस वायरस फैल चुकी है और आप एक अंडरकवर एजेंट काइल क्रीन का रोल प्ले करते हो। हरान भेजा गया है एक फाइल रिट्रीव करने के लिए, लेकिन वहां जाकर आपको पता चलता है कि भैया सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, ज़ॉम्बी हर जगह है और आपको आपको लोगों की मदद करनी पड़ती है। मैं वो काफी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है एंड गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करते हैं भैया मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स
की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 का प्रोसेसर आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। अगर चलो यार थोड़ा ज़ॉम्बी उम्बी को मार लिया जाए तो भैया किस ले रुके हो, कूद फन के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। एंड वेल गाइस स्लीपिंग डॉग की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो कि यूनाइटेड फर्न्स गेम के द्वारा डेवलप किया गया है एंड स्क्वायर इनिक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। वेल गाइस ये गेम को 2012 में रिलीज किया गया था लेकिन आज भी ये गेम काफी पॉपुलर है, स्पेशली उन लोगों के बीच जो एक सॉलिड स्टोरी एक्शन गेम प्ले का मजा लेना चाहते हैं। कहानी रिवॉल्व करती है एक अंडरकवर कॉप वी श्वैंग के अराउंड को हांगकांग के डेंजरस ट्राइड गैंग के अंदर घुसकर उन्हें तोड़ना होता है। गेम का जो मेन फोकस है वो वी के पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, एक तरफ उसे पुलिस का जॉब करना पड़ता है एंड दूसरी तरफ उसे ट्राइड गैंगस्टर के साथ मिलकर का डील करना होता है एंड दूसरी तरफ उसे एक गैंगस्टर बन के उन्हें अपने गैंग को सपोर्ट करना होता है। तो इस डाउटफुल लाइफ के बीच में आपको इनलीगल एक्टिविटी को सिक्योरिटी हैंडल करना होता है, क्राइम लॉर्ड गिराने के लिए सबूत इकट्ठा करना होता है। तो ये स्टोरी काफी थ्रिलिंग एंड इमोशनल है। आपको पूरा हांगकांग एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जहां आप साइड मिशंस, रेसिंग, चैलेंजिंग और मिनी गेम एंजॉय कर सकते हैं। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। कोई मन करा इस गेम को प्ले करने का तो भाई किस लिए रुके हो, किस शुभ मुहूर्त के लिए रुके हो, कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। एंड दोस्तों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की बात करें तो 2014 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी देखी होगी तो ये उसी के ऊपर बेस है। बस इसका जो स्टोरी है वो थोड़ा डिफरेंट है, आपको मूवी से थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। ओपन वर्ल्ड न्यूयॉर्क सिटी मिलता है पर आप स्पाइडरमैन बन वेब स्लिंगिंग करते हो, बिल्डिंग्स के बीच में जंप करते हो और अपने स्पाइडी स्किल से एनिमी का खात्मा करते हो। स्टोरी टोटली फोकस है पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन और उसके पर्सनल के बीच में, बीच के बैलेंस को आपको हैंडल करना पड़ता है, आपको अलग अलग विलन से लड़ना होता है। इनमें आपको कुछ न्यू कैरेक्टर और ट्विस्ट भी है देखने को मिल जाते हैं जो की मूवी से डिफरेंट है। बट होती है जहां पर पीटर पार्कर अपने अंकल बेन के किलर को ढूंढ रहा होता है। ओपन वर्ल्ड मोड मिलता है जहां आप फ्रीली न्यूयॉर्क सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, रैंडमली क्राइम्स को स्टॉप कर सकते हो, सिविलियंस को सेव कर सकते हो। इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम चल जाएगा। तो वेल गाइस अगर आप भी क्राइम्स को रोकना चाहते हो और स्पाइडरमैन बनना चाहते हो, खुद फन के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। जो सेवंथ गेम निकलता है वो एक कल्ट क्लासिक गेम है और जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। यस आई एम टॉकिंग अबाउट माफिया द सिटी ऑफ लॉस्ट हेवन। ये गेम माफिया सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और रॉकस्टार गेम ने इसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है। ये गेम आपको GTA जैसा क्लासिक ओपन फील देता है। माफिया अपने यूनिक स्टाइल और ग्रिपिंग स्टोरी के लिए फेमस है। की स्टोरी सेट है 1930s की अमेरिका में जहां पर हम एक टैक्सी ड्राइवर थॉमस टॉमी एंजेलो का रोल प्ले करते हैं। एक दिन थॉमस को डॉन सर्री और उसके माफिया फैमिली इन्वॉल्वमेंट में फंसना पड़ता है। पहले वो माफिया के वर्ल्ड में एक सिर्फ मजबूरी में आता है लेकिन धीरे धीरे सैलरी फैमिली का एक इंटीग्रेटिव मेंबर बन जाता है। आपको दिखाया जाता है कि किस तरह टॉमी का जर्नी एक इनोसेंट टैक्सी ड्राइवर से लेकर फुल फील माफिया इन्फोर्स बनने तक का होता है। उसके लाइफ में एक्शन, क्राइम, इमोशन कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिलता है। इस गेम में आपको टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ऐसे ही आप यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी ट्रिपिकल मिशन देखने को मिलते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया कोई डेट नहीं, डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। वेल गाइस अगर आप भी माफिया का वाइब लेना चाहते हैं तो भैया खुद फंस जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8 गेम के ऊपर। 8 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आउटलास्ट। एंड दोस्तों आउटलास्ट की बात करें, फर्स्ट पर्सन हॉरर सर्वाइवर गेम है, रेड बैरल स्टूडियो ने डेवलप किया था। इस गेम को रिलीज किया गया 2013 में। आज भी ये लोगों को डराने में सक्सेसफुल गेम है। इस गेम का जो हॉरर सस्पेंस इंटेंस एटमॉस्फेयर है ये आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। आउटलास्ट की जो स्टोरी है दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन एक जर्नलिस्ट पे है जिसका नाम माइल्स रहता है। माइल्स को एक टिप मिलती है कि माउंट मैसिव असाइलम में एक बड़ा हॉस्पिटल जो कि माउंटेन्स के बीच एक शेड्यूल्ड एरिया में बना है। माइल्स वहां जाता है, देखता है कि असाइलम के अंदर कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट चल रही है। एक ही गोल है कि भैया यहाँ से तो हम घुस तो गए बट यहाँ से बचते बचाने अपने को निकलना है और ये पूरा जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो दुनिया को दिखाना है। इसकी गेम प्ले की बात करें तो ये पूरा सर्वाइवर हॉरर एक्सपीरियंस देता है। इस गेम में आपके पास वेपन नहीं, यहाँ से मोस्टली आपको छुपते छुपाते और एनिमी से बचते हुए आपको गेम को कंप्लीट करना रहता है। गेम में आपको एक नाइट विजन कैमरा भी मिलता है जो कि डार्क एरिया में काम आता है। ग्राफिक्स क्वालिटी वो आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको
देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड वेल गाइस प्रोसेसर की बात करें इंटेल कोर i3 में गेम आराम चल जाएगा। तो वेल गाइस अगर आपका मन कर इंटेल हॉस्पिटल घूम लिया जाए तो भैया कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटिंग गेम के बारे में जो हर एक फाइटिंग गेम फैन के दिल के करीब है, वो है टेकन 7। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टेकन 7। टेकन 7 की स्टोरी बेसिकली मिश्रमा फैमिली की राइवल पर बेस है और ये एक आखिरी शोडाउन है बिटवीन फादर एंड सन हियाची और कजुया मिश्रमा पर। गेम ने फोकस किया है इन दोनों के पर्सनल और वायलेंट रिलेशनशिप पर और इसमें हमें हियाची और कजुमा के पूरे बैक स्टोरी भी देखने को मिलता है। इस गेम में एक पावरफुल कैरेक्टर है अकुमा है जो स्ट्रीट फाइटर सीरीज है। कुमा को कजुमी मिश्रमा ने हायर किया था ताकि वो हियाची को मार सके। कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स है जो राइवल को और इंटेंस और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i3 में गेम आराम चल जाएगा। तो वेल गाइस अगर आपका ही मन कर रहा है चलो यार थोड़ा फाइटर वेटी कर लिया जाए तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फीफा 16। जी हाँ दोस्तों, फीफा 16 की बात करें तो एक फुटबॉल सिमुलेटर वीडियो गेम है। पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। इस किया गया 2015 में। एंड दोस्तों ये गेम काफी पॉपुलर है एंड अभी भी काफी सारे लोग इस गेम को प्ले करते हैं। इस गेम का जो करियर मोड है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रीम फुटबॉल टीम को बनाते हो, उन्हें वर्ल्ड के टॉप टीम्स के अगेंस्ट खिलवाते हो। यहाँ पर आपको एक फील होगा कि भैया मैं फुटबॉल टीम्स का मैनेजर हूँ। आप मैनेजर की तरह ही टीम के प्लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें ट्रेन कर सकते हो और मैच की स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हो। कैरियर मोड में आपको अपने फेवरेट क्लब इंटरनेशनल टीम के वर्ल्ड कप को बनाने का चांस देखने को मिलता है। ये मोड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना इनर फुटबॉल मैनेजर को अनलीश करना चाहते हैं। आपको काफी सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, किक ऑफ मोड, कैरियर मोड, स्किल मोड और वुमेन इंटरनेशनल टीम। ऐसे ही करके यहाँ पर आपको काफी सारे मोड देखने को मिलते हैं। इसका ग्राफिक्स और प्लेयर एनिमेशन रियलिस्टिक है। टोटल 78 स्टेडियम से जिसमें से कि 50 जो है दोस्तों वो ऑफिशियली लाइसेंस्ड है। इस गेम का दोस्तों जो AI है वो काफी स्मार्ट है, इसलिए इस गेम में आपको जो ओपोनेंट टीम देखने को मिलते हैं वो काफी आपको यहाँ पर जब आप फुटबॉल खेलोगे तो आपको काफी चैलेंजिंग होगा। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम चल जाएगा। तो वेल गाइस अगर आप भी फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो भैया किस ले रहे हो, कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस यही कुछ 10 गेम थे आपके 4GB रैम वाले PC लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये गेम्स आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर ये गेम्स पसंद आए तो प्लीज अपने प्यारे और रसगुल्ले दोस्तों से जरूर शेयर करो यार, क्योंकि वो भी ये गेम्स खेल पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।